चल बेटा स्कूल चल, 8 बज गए हैं। स्कूल नहीं जाओगे? नाक नाक कैसे बंद हुई? स्कूल जाने के नाम की? फिर अगर स्कूल नहीं भेजूंगी तो सही हो जाएगी? सो जाओ। ना, मुझे करना अच्छा, आराम करना है आपको, स्कूल नहीं जाना? नहीं जाना? आराम करके नाक खुल जाएगी? स्कूल नहीं जाओगे तो? हैं ना। ठीक है, तो फिर आप आराम करो आज, नहीं जाना तो रहने दो। तो अभी ये सुबह का टाइम मैं इसे स्कूल जाने के लिए बोल रही थी, तो इसे स्कूल नहीं जाना था। इसने स्कूल जाने के लिए मना कर दिया था कि मेरी नाक बंद हो रही है। और उसके बाद ये देखिए क्या कर रही है, ये देख रही है आराम से टीवी, और टीवी में देख रही है मोगली। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, आज बहुत सर्दी हो रही थी तो ये देखिए सारे में धुंध सी हो रही है और घटा घटा सी अजीब सा मौसम हो रहा था। तो मैं आपको ये दिखा रही थी बाहर का व्यू। और मैं आ गई हूँ किचन में, मैं बना रही हूँ पिक्सी के लिए मैगी, और दूध भी आ गया था, मैं इधर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और पिक्सी ना सिंपल मैगी खाती है, वो कुछ सब्जी वगैरह नहीं खाती इसमें डलवा के, तो मैं उसके लिए सिर्फ सिंपल मैगी बना रही हूँ। हल्का सा बस तेल डाल के, 1 चम्मच तेल डाल के उसे मैं जीरा डाल के उसे ऐसे ही फ्राई कर दिया है, और बस मैगी मसाला डाला है और कुछ नहीं डाला है। और मैंने इसके लिए मैगी बना दिया, और इधर दूध भी गर्म हुआ। हे गाइज, कैसे हो आप सब? तो मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पिक्सी व्लॉग में। तो आज सुबह से मैंने अभी कोई वीडियो शूट नहीं किया था, और मैं अब अपनी वीडियो बना रही हूँ। अभी दोपहर का हो रहा है 12, और मैं अपने रूम में बैठी थी अभी फ्री होकर के, तो सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। हे गाइज, जैसे मैंने अपना वीडियो शुरू किया है उसके बाद से मैंने आपसे कोई बात भी नहीं की, और ना ही मैंने कोई सूट कुछ भी सूट किया है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करी थी, अब टाइम हो रहा है शाम के 3:30, और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। शाम की जो चाय बनती है, तो शाम की चाय तो सभी के यहाँ पे पीते हैं, हमारे यहाँ पे भी सब पीते हैं, तो मैं शाम की चाय बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ा देती हूँ। बोलो हेलो। हेलो। अरे इधर को करके आराम से बोलो, कैसे बोलो हेलो। बोलो हेलो। गंदी बात ऐसे। हेलो। तो यहाँ पर देखिए चाय ना बिल्कुल अच्छे से बन गई है, और चाय अच्छे से खदक भी गई है। मैं चाय को इस लोटे में घाल रही हूँ, और हम सब चाय पीछे बैठ कर पियेंगे, क्योंकि पीछे ना अभी धूप आ रही है थोड़ी सी, यहाँ पे तो अभी सर्दी हो रही है। तो मैं इसे डाल देती हूँ सिंक में, और मैं पीने के लिए बर्तन उठा लेती हूँ। मैंने उठा लिया है बर्तन पीने के लिए चाय, और मैं चाय को रख लेती हूँ इस प्लेट में, और चलते हैं चाय पीछे जाकर पीते हैं। चलो आजो। तो मैं चाय लेके जा रही हूँ पीछे, लाइट बंद कर दो कहीं पता चले चाय गिर ना जाए। आजो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और फिर रोटी के शायद मेरे से कट गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन, एक प्याज, और वही 3 से 4 हरी मिर्च कटर में चॉप करके मसाला डाला था। और उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 टमाटर चॉप करके डाले हैं, और जब टमाटर अच्छे से भुन गए थे उन्होंने टमाटर में तेल छोड़ दिया था अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं आलू शिमला मिर्च जो मैंने अच्छे से धो करके काट ली थी, और शिमला
शिमला मिर्च अब मैं इसमें अच्छे से मिला रही हूँ। आलू और शिमला मिर्च मैं अच्छे से मिला रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ी हल्की है तो ये इसमें सब्ज़ी नीचे लगने का डर रहता है। और हल्का सा पानी डालने के बाद मैंने अच्छे से मिला के इन्हें ढक कर रख दूँगी और जब तक सब्ज़ी बनकर तैयार होगी उतने में आटा लगा लूँगी और जो कुछ मेरा एक दो काम है वो मैं कर लूँगी। जैसे कि एक दो बर्तन है सब्जी उब्जी का यहाँ पर एक दो बर्तन तो गंदे हो ही जाते हैं, मैं उन्हें साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी पानी, मैं ज़्यादा पानी नहीं मिलाऊँगी, बस हल्का फुल्का सा। शिमला मिर्च तो ऐसे ही गल जाती हैं भाप भाप में और ज़्यादा उन्हें गलाएँगे तो वो ज़्यादा ही हो जाती हैं बिल्कुल, जो स्वाद कच्ची कच्ची सी सब्ज़ी में आता है ना, कच्ची कच्ची सी मिर्च का वो नहीं आ पाता फिर। और यहाँ पर सब्ज़ी मैंने बनने के लिए रख दी है और ये देखिए ये क्या कर रही है, अभी इसकी बातें सुनना, मैं इससे पूछूंगी कि ये क्या कर रही है। क्या कर रहे हो बेटा? ये लो। बताओ सबको, सबको बताओ क्या कर रहे हो आप? अब फोन बंद कर दो बेटा। नहीं मम्मा, देखना है। हाँ मम्मी, गंदे बच्चे देखते हैं तो ये तो फ़ोन बंद नहीं करेंगी। चलो इसे फ़ोन देखने देते हैं और मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। बाय।